कम्युनिटारिस। आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, जैनेट बाकर ने अपने बेटों का नाम रॉजर और मार्टिन रखने का फैसला किया है। इस हफ्ते सैटरडे को उनका नामकरण होगा और हम सबको बुलाया गया है। टॉम, थैंक्स जॉयस। सुनिए, आप सबको जानकर खुशी होगी कि उस जिद्दी सर्जेंट एंजल का काम तमाम किया जा चुका है। जॉयस को सर्जेंट बाथरूम की गीली जमीन पर पड़े मिलेंगे और माना जाएगा कि वो फिसल कर गिरे। अफसोस की बात, उनकी गर्दन टूट गई। तो अब सर्जेंट का खेल खत्म होने के बाद हम फिर से हमारे गांव में हो रही गड़बड़ियों पर अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। आज के बाद कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं मिस्टर दीवा। क्या बात है, खास मेहमान आए हैं दोस्तों। सर्जेंट निकोलस एंजल, सैनफोर्ड पुलिस सर्विस। ये तो बड़ा ही जिद्दी निकला। मैं आप सबको खून करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। क्या बकवास है सर्जेंट, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप तो कहते थे कि आप सबका ख्याल रखते हैं। हाँ, हम रखते हैं निकोलस। और ये गांव की भलाई के लिए है। गांव की भलाई? इसमें गांव की भलाई कैसे हो सकती है? गांव की भलाई? देखो सर्जेंट, मुझे तुम्हारी ये रोमांचक कहानियाँ बहुत पसंद है, पर हकीकत एकदम साफ है। ब्लोअर की मौत उसके बेहुदा एक्टर होने का नतीजा था। बस इसीलिए उसे मार दिया। शेक्सपियर का नाम जो खराब किया। क्या? हमारे गांव की ड्रामा सोसाइटी का बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। ब्लोअर को उसका नाम कैसे खराब करने देते, जबकि हमारे पास दो प्रोफेशनल एक्टर्स मौजूद थे। तुम भूल गए कि ग्रेग ने एक मूवी में साइड रोल किया था और शेरी ने एक मूवी में लाश का रोल? हाँ, मुझे याद है। मार्टिन को गांव की इज्जत का इतना ख्याल नहीं था जितना उसे ईव ड्रेपर के साथ चल रहे अपने चक्कर का था। तो ईव को क्यों मार दिया तुम लोगों ने? वो कितने गंदे तरीके से हंसती थी। बहुत ही अजीब। और जॉर्ज मर्चेंट, उसका घर बहुत बेकार। हमने उससे कहा कि अपने घर को गांव के दूसरे घरों जैसा बनाए, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा, और वो टिम मैसेंजर को क्यों मारा, उसकी क्या गलती? सैनफोर्ड सिटीजन अखबार के एडिटर के तौर पर टिम मैसेंजर ने हमें परेशान कर रखा था। कभी हमारा बेहतरीन अखबार अब बकवास कहानियों से भरता जा रहा था और उसमें कई गलतियां होती थी। उसने इसकी उम्र 55 साल, जबकि मैं हूँ सिर्फ 53 साल की। 53 साल? लेस्ली टेलर की क्या गलती थी? उसकी हॉर्टिकल्चर एक्सपर्टीज ने तो गाँव का नाम रोशन किया। वो अपने काम में माहिर थी। कजिन लेस्ली ने हमें शर्मिंदा किया। वो किसी और शहर में जाकर बसने की सोच रही थी। हम उन्हें अपना हुनर दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हुए कैसे देख सकते थे? डेबी के उन काफी लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं। हमारे साथ नहीं रहेगी तो कहीं नहीं रहेगी। अरे, इसमें गांव की भलाई कैसे कर रहे हो? गांव की भलाई? चुप कराओ, इन सब लोगों को ऐसे ही मार दिया और इनको मारने के कारण भी बेकार के। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हेलो निकोलस, we'll be right back.